आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से खूब सारा प्यार और सलाम। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर का वचन हम सबों से बहुत ही माइटी वे में बात करेंगे और हमें एक नई लेवल में लेकर जाएंगे। जैसे इस सीजन में हमें इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी लग रही है, फिर भी सूरज ने अपना काम करना नहीं छोड़ा। वह रोज़ अपने समय के अनुसार उदय होता है और समय के अनुसार अस्त भी होता है। वैसे ही आज भी चाहे जमाना प्रभु के वचन पर विश्वास करे या ना करे, प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने समय पर अपने अपने लोगों पर वचन रिपील भी कर रहे हैं और लोगों को उनकी पापों से आज़ाद भी कर रहे हैं, अपने लोगों के बोझ से उन्हें रिहा भी कर रहे हैं और रोगियों को चंगा भी कर रहे हैं। अमेजिंग। मुझे ये स्क्रिप्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय का 18 से लेके 23 आयत तक। ये इंसिडेंट जॉन द बैप्टिस्ट जब जेल में था तब की बात है। होता ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने दो चेलों को यीशु के पास यह पूछने भेजता है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखें? और यीशु मसीह उस समय पर लोगों को हीलिंग डिलीवरेंस दे रहे थे और अपने मसीहा होने का साइन यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेले को दिखाते हैं। और यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम लोगों ने देखा सुना जो भी विटनेस किया, जाकर यूहन्ना को बोल दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। आपको पता है जॉन जेल में क्यों था? जॉन को गॉड ने सिर्फ एक ही असाइनमेंट दी थी, टू प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और जॉन ने राजा हेरोदेस के पैलेस में, विच वॉज ऑफ कोर्स अ डिफरेंट टेरिटरी, वहां जाकर राजा हेरोदेस से कहा, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इट्स नॉट लॉफुल फॉर यू टू हैव योर ब्रदर्स वाइफ। बाइबल क्या बताती है? जॉन का जन्म किस पर्पस के लिए हुआ था? हिज प्राइम कॉलिंग वॉज टू प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। और वो पैलेस में जाकर क्या किया? थ्रेटनिंग देकर आ गया। अब पॉइंट ये है कि क्या ये गॉड के ओर से दिए गए बाउंड्री के अंदर में रहकर उसने ये काम किया या फिर अपने बाउंड्री के बाहर आकर उसने ये काम किया? ध्यान से सुनिएगा, जब तक प्रभु में रहकर हम अपनी काम करते हैं तब तक हम सेफ है, सिक्योर्ड है। जैसे ही हम प्रभु से निकलकर उसकी मर्जी के विपरीत कार्य करते हैं तब हम डेंजर जोन में आ जाते हैं। प्रभु कभी भी हमारे ऐसे कामों में हमारा साथ नहीं देंगे, कभी हमारे साथ वन माइंड नहीं होंगे। आज आप इस वचन से एक बात अपने जीवन में गांठ बांधकर रख लीजिए, जहां प्रभु की मर्जी है वहां प्रभु के तरफ से आयोजन उसकी मदद भी जरूर पहुंचेगी। मैं फिर एक बार बोलती हूँ, जहां प्रभु की मर्जी है वहां प्रभु के तरफ से आयोजन उसकी मदद भी जरूर पहुंचेगी। हालेलुया।
प्रभु यीशु कभी भी आपको वहाँ नहीं भेजेंगे जहाँ पर प्रभु का हेल्पर यानी होली स्पिरिट आपसे पहले वहाँ पहुँच ना पाए। पता है, His glory will always go before you. Shout hallelujah. हाँ, मनुष्य अंधकार में खुद के डिसीजन के वजह से ज़रूर जा सकता है, पर यीशु खुद ज्योति होकर कभी भी मुझे अंधकार में नहीं ढकेलेगा। मैं खुद अपने जिद करने के कारण गड्ढे में गिर सकती हूँ, पर खुदा किसी को गड्ढे में नहीं गिरा सकता। हमारा खुदा तो वो है जो गिरते हुओं को उठाता है। हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट अपने असाइनमेंट्स एक डिफरेंट टेरिटरी में कर रहा था। लीडर्स, प्रेयर वॉरियर्स, वी हैव अ लेसन टू लर्न फ्रॉम जॉन द बैप्टिस्ट। नो योर टेरिटरी, आई रिपीट, नो योर टेरिटरी। कैन एनीबडी वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड विदाउट इंक्लूडिंग द किंग? मेक श्योर यू आर नॉट बिकमिंग एनिमी ऑफ गॉड। मेक श्योर यू आर नॉट ऑन द ओपोनेंट टीम। आर एवरी वर्क शुड बी विद क्राइस्ट एंड फॉर क्राइस्ट। किंगडम ऑफ गॉड इज ऑल अबाउट क्राइस्ट इन यू एंड क्राइस्ट through you. Can anybody can write in the comment box? Kingdom of God is all about Christ in you and Christ through you. Scripture mein likha hai, Mark chapter 7 verse number 19 mein, usne threatening di, isliye Herodias usse bair rakhti thi और यह चाहती थी कि उसे मरवा दे। इसलिए गॉड बोलते हैं, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। लॉर्ड, आप मेरी जुबान को नियंत्रण में ले लीजिए। आई एम श्योर हमें से सब कोई इसमें मास्टरी कर सकते हैं। ट्रेन योरसेल्फ, मास्टर योरसेल्फ इन हैंडलिंग योर टंग। जॉन द बैप्टिस्ट का जेल में होना उसका गॉड से काउंसलिंग ना लेने का नतीजा था। गॉड से बिना परमिशन लिए खुद से काम करने का नतीजा था। आइए एक बार गॉड से बोलिए, खुदा मैं आपको नेता देती हूँ या देता हूँ, मेरे मनों को जांचिए और मुझे स्मरण करवाने में मेरी मदद करें। गॉड, मैं तेरी मर्जी के विपरीत कितनी बार चली हूँ और अपनी मनमानी की हूँ, और कभी कभी तो मैंने आपको ब्लेम भी किया। थैंक यू, आपके इस वचन को मैं यीशु मसीह के नाम से रिसीव करती हूँ। अगर मैं अपने प्राइम कॉलिंग के लिए सीरियस नहीं हुई हूँ तो आई एम सॉरी लॉर्ड, मुझे तेरी मर्जी को फोकस करने में मदद कर। लॉर्ड, बहुत बार मैंने दूसरे के मैटर में टांग अड़ाया, दूसरों के मामले में बोला, दूसरों को ज्ञान बांटा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, फैमिली के मैटर्स में हेल्प करने के इरादे में गई, परंतु सारे काम ऑपोजिट हो गए। इनफैक्ट झगड़ा हो गया, मन खटास हो गया, कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो कभी मेरे सामने वाले के साथ अनबन हो गया, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो कभी दोस्त में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वो शत्रु बन गए। रीजन द फैक्ट इज, इन कामों में यीशु की मदद यानी कि पवित्र आत्मा उन कामों में मेरे साथ एग्री नहीं थे। जो भी मैंने किया वो
उनको पसंद नहीं आया और मेन थिंग ईशु इन बातों से मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। मैं इन सारे बातों का जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं अब से खुदा के मदद पाए बिना कुछ भी नहीं करूँगी। एंड मेरा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी करूँ यीशु को ध्यान में रखकर यीशु के लिए करूँ। मुझे सिर्फ यीशु को प्रसन्न करने में सक्षम होना है और ये दोनों गॉड के ग्रेस पाकर वह सब कर सकती हूँ। आमेन। आशा करती हूँ आप लोगों ने यीशु के इस वचन के द्वारा जरूर आशीष पाई होगी, जिसे मैं एक छोटे से आउटलाइन से एंड करना चाहूंगी। जो हदें प्रभु ने हमें दी हैं, हमें उसी के टेरिटरी के अंदर रहकर प्रभु का काम करना है। और दूसरा ये जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, यीशु हमारी आसमानी खुदा बाप के पास चले तो गए हैं, पर आज भी यीशु का सुसमाचार देश देश के हर कोनों में बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। इसमें भी प्रभु यीशु मसीह को सारी आदर महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।